दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद सजा भोगनी पड़ती है। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, जिससे उसे नरक में जाना पड़े और फिर उसे कुत्ते का जीवन मिले। मित्रों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करता है उसे ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे से कह नहीं सकता और ना ही किसी के साथ बांट सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से कार्य हैं जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रह सकें। मित्रों, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपनी सखियों के साथ अपने नगर वर्षाना का भ्रमण कर रही थी। पूरे गांव में उनका आना जाना लगा रहता था। तभी एक घर के पास उन्होंने देखा कि एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की तलाश में खड़ा है। तभी उस घर में एक नौजवान आदमी लाठी लेकर निकला और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। यह सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियों, आप सब अपने अपने घर चली जाएं। अब मैं यहाँ से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण भगवान से मिलने चली गईं। उधर भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय राधा रानी पहुँचती हैं और भगवान श्री कृष्ण कहती हैं, हे कान्हा, जब मैं आज अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा है। वह जिसके भी महल के द्वार पर जाता है, लोग उसे डंडे से दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिला। हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा रानी, आपके मन में जो भी प्रश्न है उससे निश्चित होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसलिए हे प्रिय, इस कथा को पूरे मन से सुनना। राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। मित्रों, तो कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, एक समय की बात है, जब भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी।
तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को कहा, कुत्ते को वहां से भगा दिया। अगले दिन वही कुत्ता फिर से उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने उस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया। तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा और भगवान राम के मन में प्रश्न उठा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है। भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहाँ बुलाकर लाओ। द्वारपाल कुत्ते के पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएं। द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताई। तब सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा, तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो। कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी यह सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा जिससे मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे श्री राधा रानी, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। फिर भगवान श्री राम ने अपने दरबारी को बुलाया और कहा, हे दरबारी, जाओ जाकर उस सन्यासी को यहाँ बुला लाओ। उसे ढूंढकर हमारे दरबार में अति शीघ्र लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके दो सैनिक सीधा सन्यासी के घर पहुँचे और उसे पकड़कर भगवान श्री राम के दरबार में ले आए। फिर भगवान श्री राम ने सन्यासी से कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया। वह सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था। इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर उसे जोर से मार दिया जिससे उसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह एक ज्ञान रहित पशु है? यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और उनको इतनी अकल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने तुम्हारे अन्न को छू लिया था तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं है, यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इतनी सी बात है, बात के लिए तुमने इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा दे दी। इसने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो तुमने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया। इसलिए तुम ही इसके अपराधी हो। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहो वह सजा इसको दे सकते हो। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। श्री राम ने कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बिठा दिया और उसे एक महल में ले गए। वहां उसे राजा बना दिया गया। जब सन्यासी राजा बनकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठा और राजा महाराजा जैसे वस्त्र मिले तो वह अति प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि उसने कभी सपना
भी नहीं देखा था कि वह राजा बनेगा और एक कुत्ते ने उसे राजा भी बना दिया। सच में इतने में अकल नहीं है क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी, फिर भी उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। यह सब देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। इस सवाल का जवाब सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, उसका उत्तर आपको वही कुत्ता दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उससे पूछा, तुमने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे राज का राजा क्यों बना दिया। कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बना दिया। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा रानी से कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, वह कुत्ता उन सभी से कहता है कि सुनो, जो राजा अन्याय करता है घर पर आए, जो राजा अन्याय करता है घर पर आए, याचक को भगाता है, दूसरों की संपत्ति हड़पता है और गरीबों पर अत्याचार करता है, वह मरने के बाद कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लेता है। यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच नहीं है। ता आगे कहता है कि मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था, मैंने गरीबों को सताया था, उनकी संपत्ति हड़पी और उनके साथ अन्याय किया, मैंने बेसहारे लोगों की जमीन हड़प ली और अपने से छोटे लोगों पर अत्याचार किया, इसी कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है और अब मैं अपने पापों का फल भोग रहा हूँ। इसलिए मैंने उस सन्यासी को राजा बनाया ताकि वह भी अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगे। तब उसे समझ आएगा कि कुत्ते की जिंदगी कितनी कठिन होती है और पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, ये वही लोग हैं जो अपने पापों को धोने के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन वहाँ से लौटकर फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। राधा रानी पूछती हैं, हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, गंगा जी में केवल वे पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते। गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ होता है, जिसमें कोई छल ना हो, के मन में बुरे विचार ना हो। जो लोग दूसरे की बहन बेटियों को बुरी नज़र जो लोग दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं और छल करते हैं, उनके पाप गंगा स्नान में नहीं धुलते। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि हम किसी बेजुबान जानवर को एक समय का खाना नहीं दे सकते तो हमें उन्हें कष्ट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई कुत्ता या अन्य बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो अगर आप उसे रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारे भी नहीं, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर आपके पापों को लिखता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को बताया कि किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव अवश्य लिखें।